आज हमें उमराव जान की वह लाइनें याद आ रही हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, हौसले अगर बुलंद हैं, स्ट्रांग विल पावर है, मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आदमी मुकाम हासिल करने में उसे कोई कठिनाई नहीं आएगी। जी हाँ, आज हम ऐसे ही एक बहादुर आत्मबल और दृढ़ इच्छा शक्ति की धनी एक बिटिया के साथ बैठे हैं जिसने 75% विकलांगता के बाद भी मुकाम हासिल किया है। किरण है हमारे बीच, किरण के घर हम बैठे हैं। किरण की माताजी हैं शीला देवी और पिताजी हैं श्री सीताराम यादव जी जो अध्यापक रहे हैं इंटर कॉलेज में। किरण के बारे में हम बताते हैं दोस्तों, 2 साल की थी तो पोलियो ग्रस्त हो गई, पैरों से विकलांगता आ गई। मम्मी पापा ने हार नहीं माना, बिटिया को दाखिला दिलवाया प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर में, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, मैं किरण से ही जानूंगा, और फिर बीएससी किया। आज यह एक बड़े मुकाम पर पहुंची है। मैं जानना चाहूंगा, सैदपुर विकास खंड का यह गांव है अमीदा सही चांदपुर, तो यहां हम हैं। सबसे पहले मैं किरण से ही जानना चाहता हूँ। किरण, आपको चलने में दिक्कत होती है, किरण यह डंडा लेकर के अभी भी चलती हैं, तो सबसे पहले प्राथमिक में आपका नाम लिखाया गया, क्या क्या कठिनाइयां आई प्राथमिक से लेकर जूनियर तक? सर, पहले तो मैं बड़ी हो रही थी तो पापा को टेंशन थी पढ़ाने लिखाने की, सब सोच रहे थे कि मतलब कैसे मेरी बिटिया पढ़ेगी, कैसे स्कूल तक इसको छोड़ेंगे हम लोग, बहुत सारा इनको टेंशन था। लेकिन फिर मम्मी ने इनका सपोर्ट किया, कहा आप एडमिशन करवाइए और हम इनको छोड़ के आएंगे। तो फिर इसके बाद जब पापा एडमिशन करवा के अपनी ड्यूटी पे चले जाते थे, तो फिर इसके बाद मेरी मम्मी है जो ये मुझे लंच का बॉक्स पहुंचाया करती थी, सुबह लेके जाती है मुझे स्कूल में छोड़ के आती, फिर दोपहर का लंच का बॉक्स मुझे पहुंचाती, क्योंकि मैं आ नहीं सकती थी, उतने टाइम को मैनेज नहीं कर सकती, तो इसलिए मम्मी लंच का बॉक्स पहुंचाती थी, फिर वहां से मैं खा लेती थी। फिर शाम को मेरे से 2 छोटे भाई हैं अरविंद अनुज, उन लोगों ने मेरा बैग लेके जाना आना ये सब सारा सपोर्ट उन लोगों ने किया। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो लोग बड़े हुए, फिर 5वीं कक्षा तक मेरी पढ़ाई ऐसे हो गई सर। इसके बाद जूनियर हाई स्कूल में मेरा दाखिला हुआ, वहां पे मेरे भाई लोग ही सपोर्ट किए मुझे। फिर इसके बाद अच्छा, भाई ले जाते थे साइकिल से? नहीं, भाई सपोर्ट ऐसे करते अच्छा, ऐसे थे, पकड़ के ले जाते थे, संभालते हुए लेके जाते थे। दोनों आपसे छोटे हैं? दोनों मेरे से छोटे हैं। और मेरा बैग लेके जाते थे, मुझे सपोर्ट करके लेके जाते थे, ऐसे तैसे करते मेरा मतलब जूनियर हाई स्कूल भी कंप्लीट हो गया। फिर पापा को टेंशन हुआ कि अब आगे की पढ़ाई इसकी कैसे होगी, तो मेरा भाई जो है बड़ा वाला भाई, कहा पापा आप टेंशन मत करिए, हम दीदी को बैठा के अब लेके जाने के लायक हो गए। तो पापा एक छोटी साइकिल खरीदे, उस पे मेरा भाई मुझे बैठा के लेके जाता आता। फिर दूसरा वाला भाई छोटा, उससे जो छोटा है वो भी थोड़ा बड़ा हो गया, तो दोनों ने बारी बांध ली कि सुबह आप सुबह कौन ले जाएगा, शाम को कौन ले आएगा। तो छोटा शाम को लेके आता था, बड़ा सुबह लेके जाता था। सर ऐसे करते मेरी इंटर की पढ़ाई पूरी हो गई। फिर इसके बाद पापा सोचे कि अब आगे की पढ़ाई और करना है तुमको, तो हम कहे हाँ करना है, तो कहें कि हाँ बेटा तुम हिम्मत ना हारो, तुम चाहे जितना। चलिए एक बार पापा की तरफ मैं दिखाता हूँ और विनम्र भाव से उनको प्रणाम करता हूँ। और मम्मी जो लेकर के जाती थी बिटिया को, स्कूल छोड़ती थी और छोड़ने के बाद फिर टिफिन लेकर के जाती थी, एक बार आप देख लें। पुनः मैं किरण से आगे चाहूंगा कि आप बताएं आगे क्या हुआ। सर इसके बाद मुझे बीएससी में एडमिशन लेना था, तो फिर पापा एडमिशन करने के लिए फॉर्म लाए, भरे, फिलअप किए, फिर मुझे वहां ले जाके एंट्रेंस दिलवाए। एंट्रेंस पे मेरा सेकंड लिस्ट में नाम निकला था। अच्छा, कौन सा विद्यालय था जहां से बीएससी हुआ? सर SGPGI डिग्री कॉलेज डोभी जौनपुर। अच्छा, देखिए बताते चले, हम गाजीपुर में है और दूसरे जिले में जौनपुर में बीएससी कम्प्लीट हुआ। यस सर। सर वहाँ पे जाने के बाद मेरा एडमिशन हो गया, फिर इसके बाद मुझे हॉस्टल भी अलॉट हो गया। अच्छा। सर तो गवर्नमेंट हॉस्टल मिला था वहाँ पे। सर रहने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन हम भी रह लिए अपने हाथ से बनाना खाना। अच्छा। सब कुछ करने के बाद अपने हाथ से बनाती थी? हाँ सर, 3 लड़कियाँ रहती थी, रूम शेयर की थी, अपने हाथ से बनाना। तो वो लोग भी सहयोग करती थी आपका? सर हाँ सर, तीनों लोग मिलके खाना बनाना, फिर इसके बाद सबका स्टडी टाइम रहता, तो इसलिए सब लोग शेयर करके बना लेते। फिर बीएससी के उपरांत फिर
कौन सा कोर्स आपने किया? सर बीएससी, आफ्टर बीएससी हमने सर जीएनएम, पापा को किसी ने एडवाइस दिया कि इस फील्ड में ज्यादा स्कोप है तो फिर पापा ने जीएनएम करवाया। जीएनएम सर मैंने जौनपुर के ही अवध पैरा मेडिकल कॉलेज से किया हुआ है, वो अफिलियेटेड है यहाँ से यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ से। सर उसके बाद वहाँ की पढ़ाई 2016 में मैंने कम्प्लीट कर ली, 2016 में कंप्लीट करने के 5 मई 2016 को कंप्लीट करने के बाद सर मैंने वहाँ की डॉक्टर हैं श्रीमती शकुंतला यादव जी, सर वो कहें कि बेटा घर पे जाके बैठोगी ही, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाओ। हम कहे थैंक यू मैम, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने भी काफी सहयोग किया, मुझे सिखाया और डिलीवरी उलरी करना सारा, मतलब जो भी है, और सीजर का असिस्ट करवाना सब कुछ मुझे सिखाया, बहुत अच्छा लगा। फिर 2 साल के बाद उनसे हमने बोला कि मैम अब हम आगे की पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, फिर वो बोलें कि ठीक है जाओ। तो सर मैंने फॉर्म डाला हुआ था यहाँ, तो सीएचओ में मेरा निकल गया। तो सर इसके बाद सीएचओ में निकलने के बाद मुझे 6 मंथ की ट्रेनिंग करनी पड़ी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। अच्छा, अच्छा। सर तो वहाँ की पढ़ाई अभी कंप्लीट हुई है 31 दिसंबर 2018 को सर। इसके बाद 1 जनवरी 2019 से सर मैं जौनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर। यस सर। अधिकारी शब्द लगा, बड़ी मेहनत किया इन्होंने किरण ने। और चलिए अब हम मम्मी की तरफ रुख करते हैं। आपने बड़ा बहुत अच्छा किया है, सच में पैर छूकर के प्रणाम करने की इच्छा होती है। आपने जितना, जहां बच्चियों को अभी भी अभिशाप माना जाता है, जैसे ही बच्ची ने जन्म लिया वैसे ही लोग रोने लगते हैं, लोगों को लगता है कि पहाड़ टूट गया, लेकिन आपने इतना पढ़ाया लिखाया बिटिया को और आप धन्य हैं। बाबूजी हैं मास्टर साहब, इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे, बेटी को ले जाते थे इन्हीं के कॉलेज में, बिटिया पढ़ी। क्या कहना है सर आपको, कैसा? आपको कहना है साहब कि कभी बिटिया को बोझ नहीं समझना समाज को। लोग समझते हैं बोझ जो सीधी साधी है, अब जो विकलांग होकर पैदा होगी तो उसको तो और बोझ होगा, लेकिन मैं कभी हारा नहीं, ये हिम्मत हारती थी लेकिन हम साहस बनाते थे, आगे का रास्ता खुलता गया खुलता गया खुलता गया। आज आप लोगों के सामने जो है ये है, जो है एक अधिकारी का पद लेकर के बैठी हुई। 2 लाइनें मुझे स्मरण हो रही है, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, किंतु दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दूसरे पैर के रूप में, पांव के रूप में मम्मी पापा और दोनों भाई, एक भाई को महामहिम गवर्नर ने सम्मानित किया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, एक भाई एयरफोर्स में है। हाँ। सर एयरपोर्ट में जॉब करते हैं। अच्छा, एयरपोर्ट में जॉब करते हैं। हाँ। तो यह भी सुखद अनुभूति है, हम घर में बैठे हैं। तो किरण एक चीज बताइए, परसेंटेज क्या रहा आपका जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल? सर मेरा हाई स्कूल में जो परसेंट है 422 नंबर है सर, उसका परसेंटेज 70.33 और इंटरमीडिएट का परसेंटेज सर नंबर है उसका 363 नंबर है सर, और उसका परसेंटेज है 72.6। और इसके बाद बीएससी में सर मेरा 58% रहा है और सर जीएनएम में 76% रहा है। अच्छा, कठिनाइयां क्या क्या आई, कभी कोई जलालत, कभी कोई जैसे मनोबल भी बढ़ाया होगा लोगों ने, कभी जलालत के अवसर किस तरह के आए कभी? सर बहुत सारी कठिनाइयां आई, कभी कभी उस बातों को सोच के मेरी आंखें बहुत भर आती हैं। सर जब पहली कठिनाई तो सर मुझे यहाँ हुई कर्रा पे, जब मैं अकेले थी, इतनी मैच्योर नहीं थी सर, जब छोटी थी, अभी इंटर के पास जस्ट एडल्ट एज में वहां पे जब एंट्री ली थी मैं, तो वहां पे शाम 5 बज जाता था ठंडियों के मौसम में, और पीछे से रास्ता गया था हॉस्टल की तरफ सर, तो वहां पे पहली बात तो बच्चे जब सीढ़ियों पे चढ़ने लगते तो धक्के मारते हुए चढ़ते थे, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था कि हम कब तक वहां पहुंचेंगे। तो सारे बच्चे पहुंच जाते थे और प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता था, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हम सोचते थे क्या सर नहीं डांटे तो बेटर है, लेकिन जब तक वहां पहुंचते थे काम सारा स्टार्ट हो गया होता तो सर पक्का मुझे डांटते थे, बड़े रिक्वेस्ट के बाद एंट्री देते थे। फिर इसके बाद पहली बात तो वहां पे तकलीफ होती थी, दूसरी बात जब हॉस्टल जाने के लिए रेडी होते थे तो वहां पे गांव का एरिया था,
खेत था तो उधर से जाने में बड़ी डर लगता था, सोचते थे कि मतलब कुछ आ ना जाए, कोई अनजान जगह है, कोई ऐसा आदमी ना आ जाए, ये सब चीजों को लेके मुझे बहुत डर लगता था। फिर सर दूसरी बार जो प्रॉब्लम हुई मुझे सर, जब मैं जीएनएम कर रही थी, तो जीएनएम कर रही थी, कंप्लीट भी कर चुकी, सब कुछ मेरा सही से हो गया सर। जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो सर वहाँ पे एक इंस्पेक्शन होता है, हॉस्पिटल का एक इंस्पेक्शन होता है, तो हमारी मैम जो है शकुंतला डॉक्टर ने मुझे तो कभी कुछ होपलेस नहीं किया, लेकिन वहाँ के जो और उस काबिल बनाए कि वो कुछ कर सके, और मैं इस हैंडीकेप जो विकलांग लोग हैं उन लोगों से भी मैं कहूंगी, अगर माँ बाप मेहनत करके उनको पढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर सारी प्रॉब्लम झेल के उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऐसे हाथ पैर ऐसे बंद करके बैठे ना, वो भी मेहनत करें और अपने माँ बाप के साथ मेहनत करके वो भी आगे आए और अपने आप पे सेल्फ डिपेंड हो और अपने माँ बाप के ऊपर जो बोझ का अभिशाप है वो हटाएं और खुद आके आगे आके कुछ अपने लिए करें। बहुत अच्छा, किरण के साथ बैठ करके मैंने देखा और यहाँ परिवार में आकर के हमारे साथ एक दिव्यांग है जितेंद्र, ये भी यहाँ आ गए हैं, आप देख रहे हैं दोनों हाथ इनके नहीं है, मैंने इनके साथ पहले भी वीडियो किया है, आगे भी करूंगा, और यह लिखना कंप्यूटर चलाना इन्हीं हाथों से करते रहते हैं, और बाइक भी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, सारा काम यह कर लेते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है। जितेंद्र देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यह परिवार तो पहले से कर रहा है साहब, देख लीजिए, जब आप सभी ने सोचा भी नहीं होगा इस दिशा में, तब से यह परिवार कर रहा है, यह लोग प्रेरणा स्रोत है, और किरण जैसे लोगों को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, जो ऐसे प्रचार प्रसार करें, बेटियों का मनोबल बढ़ाए, और ऐसे लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जिन लोगों ने गर्भ में पल रही बेटियों को यह जानकर कि गर्भ में पल रही बेटी है हत्या कर देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करा देते हैं, वह लोग देखें एक बार किरण को और देख करके ऐसा कुकृत्य करने से बाज आए, हमें सुखद अनुभूति हो रही है। किरण को एक बार हम दिखा देते हैं कैसे चल रही है, और सर्टिफिकेट इधर है क्या किरण? तो खाना में क्या क्या बना लेती हैं आप? बहुत शौक है कुकिंग करने का। अच्छा। सर, और बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं सर। वाह वाह, देखिए इनके सारे प्रमाण पत्र हैं, सहेज करके इन्होंने रखा है, और देखिए है इन्होंने सहेज करके रखा है, और जितना परसेंटेज बताया है सब है। मम्मी पापा को पुनः प्रणाम। ठीक है बेटा, बस, और ऐसी बेटियां भारत जैसे देश की प्राण तत्व हैं, विशेष अंक हैं, और जिनका मनोबल और भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमारे देश की, भारत की जो बेटियां, मैं देश की ही बात नहीं करता, हम तो पूरे विश्व की बात करते हैं, हम व्यापकता में जीना चाहते हैं, सार्वभौमिक रूप से अपना जीवन चाहते हैं, पूरे विश्व की बेटियों को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि वह कभी भी विकलांगता को अभिशाप न समझे। किरण एक चीज और है, जैसे असुरक्षित प्रसव से भी विकलांगता आती है सर। अभी सर कभी कभी घर वाले चाहते हैं कि हमारे जो फैमिली है उसकी नॉर्मली डिलीवरी हो। हाँ। तो सर ऐसे में अगर प्रोलॉन्ग टाइम, मतलब जो डिलीवरी का टाइम है वो ज्यादा ले रहा है, और लेडीज जो है उसको पीड़ा ज्यादा होती जा रही है, और जो प्रॉपर प्लेस नहीं है आने का बच्चे को, तो उस ऐसी कंडीशन में जब सब लोग ज्यादा जबरदस्ती करते हैं, तो सर जब ये पार्ट दबता है तो ब्रेन की जो नस है वो दब जाती है, उसकी वजह से हाथ पैर ये सब पैरालिसिस हो जाते हैं सर, और या तो बच्चा मंद बुद्धि का होता है, मानसिक विकलांगता आएगी, शारीरिक विकलांगता आएगी, और दृष्टिहीनता भी कभी कभी
सर वो कंजेनाइटल एनोमलीज में अच्छा आता है। और फिर दवाओं का प्रयोग करके अगर अगर बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं का प्रयोग करेंगे सर, तो ऐसे भी होता है सर। चलिए इस तरह के अगर आपको सुझाव लेने होंगे, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे घर की सदस्य है और मम्मी पापा है, कोई एक नंबर बता दें, अगर कोई दोस्त अगर कोई सलाह लेना चाहते हो, कभी ऐसे कोई दिव्यांग हमारी बेटियां बेटे कोई अगर चाहेंगे तो कोई नंबर है। ओके सर, सर मेरा नंबर है 9161195154। अनावश्यक कोई दोस्त परेशान नहीं करेंगे, किंतु इस परिप्रेक्ष्य में अगर कोई जानकारी लेना होगा तो किरण उसके लिए सहयोग करेंगे। अच्छा की है किरण की मम्मी शीला देवी, हमारी लड़की है, सबको लड़की दे। हमारी लड़की ऐसी है कि चप्पल सी के पहनती है। अच्छा, अगर टूट जाएगा तो सिल लेंगी। सिल लेगी और कटाई खाना में कटाई बुनाई सब चीज कोनो ऐसा ना है कि हमारी लड़की नहीं कर पाए। मतलब खेती का भी काम, जैसे खेती का सब काम। अच्छा, खेती का सब काम आपका हाथ बटाती है? सब बटाती है जी। एकरे बाद खाना में कोई खाना आप बनवा सकते हैं। अच्छा, कोई खाना बनवा सकते हैं। और ठोकवा एक होता है। अरे यार आप मस्त घाटी घाटी सब कुछ, अरे सब कुछ। और एक गुलगुला होता है सर, अरे वो तो, और एक पोपरा होता है, पोपरा सब सब जितना खाना में बट्टी चोखा मकुनी मकुनी और सब चीज जौन खाना में हो सब चीज हमारी लड़की बना सकती है। अच्छा, सिलाई में भी सर? अपने आप सर, मैं जब जो खाली टाइम में पाती हूँ तो सोचती हूँ कि अब क्या करूँ, इसलिए यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखने के बाद सर ये सब जो भी कपड़े हम पहनते हैं सर अपने हाथ से सिल के पहनते हैं। अपने हाथ से सिल के सर सारे सूट सूट वाले जो कपड़े हैं सब अपने हाथ से सिल के पहनते हैं। और खाना बनाने का मुझे बहुत शौक है, खाली टाइम में मैं नया नया डिश बनाने की कोशिश करती हूँ और सर मैं फेसबुक पे अपना डिश डालती भी हूँ। और अब किरण से चाहेंगे यूट्यूब पर भी एक चैनल बना करके और बना करके लोगों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। चलिए दोस्तों, यदि आप कभी आएंगे गाजीपुर हमारे यहाँ तो मैं किरण के घर भी लेके आऊंगा और किरण के हाथ का बना हुआ कुछ खाएंगे हम लोग। और मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग जौन चाहेंगे तो। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, इस तरह से तमाम विषयों में सीधे सीधे आपसे रूबरू कराता रहूंगा, आप सभी का आत्मविश्वास बढ़ेगा और बहुत से मामलों में प्रेरणा भी मिलेगी। धन्यवाद।